गाइज व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप सारे ठीक होंगे और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जाओ और जाके कर दो। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है फ्रेशर्स के लिए और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो यार आपको हम बताते हैं आगे। गाइज आज हम अपनी यूनिवर्सिटी के रिव्यूज लेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स से। तो चलो यार मिलते हैं आपसे a few moments later। गाइज चलो चलते हैं क्लासरूम में और देखते हैं कौन स्टूडेंट है वहाँ पर प्रेजेंट हो। लेते हैं उनसे भी यूनिवर्सिटी का रिव्यू। तो बने रहिए। स्टडी अच्छी हो रही है बहुत ज़्यादा। हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। लैब्स ले रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज दी जा रही है। वो फिर प्रैक्टिकली हो या फिर स्टडी के रिलेटेड हो या कुछ भी फंक्शन होते हैं, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, हर एक चीज़ अच्छी होती है। इनका कहना ये है कि जो भी मतलब सही चल रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप बता सकते हो कितना कितने ईयर हो गया? 2.5 ईयर। तो कितना मतलब आपको लगा कि यहाँ पर मतलब कितना डेवलप हुआ है? पहले बहुत डेवलप भी हुआ है। हर ईयर या फिर हर 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ नया होता है। पहले कोविड का रहा, कोविड के बीच भी अच्छा चल रहा था, उसके बाद हम घर चले गए, वापस आए, फिर ओल्ड हो गया, फिर अच्छे से अब हमारी ज़्यादा अच्छे से क्लासेस लग रही हैं कोविड के बाद। कि ऐसा हो सकता था कि कोविड के बाद अच्छे से ना लगे, बट बहुत अच्छे से लग रही हैं, अच्छे से इम्प्रूव हो गई है हर एक चीज़। लैब्स ले रहे हैं, सिखा रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मेडिकल फील्ड के लिए इट इज़ द बेस्ट। तो गाइस चलो चलते हैं अभी सेकंड क्लास में। चलो तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी लड़की है। हम जिनका हम उनसे पूछते हैं कि मतलब यहाँ का रिव्यू के बारे में इनसे पूछते हैं। चलो आप सिक्स मंथ हो गए यहाँ पे। तो आपको क्या मतलब यहाँ पर अच्छे से एनवायरमेंट के बारे में बता दीजिए? बहुत फ्रेंडली समूह। अच्छा टीचर का क्या बिहेवियर है आपके साथ? बहुत नाइस बिहेवियर, लाइक मतलब कोई प्रॉब्लम होती है कुछ भी होता है मतलब क्लियरली फ्रेंडली भी कर सकते हो। अपनी फ्रेंडली मतलब हर प्रॉब्लम। और फैसिलिटी कैसी है यहाँ पर अगर बात की जाए, मतलब हर एक चीज़ की बात करें जाए तो खाने में क्या मतलब? आप हॉस्टल में रहते हो? नहीं बाहर रहते हो। तो क्या बताओ, बाकी आप यूनिवर्सिटी के बारे में बोलो क्या कैसी है, इनके अच्छी थी? एक्चुअली अगर कोर्स की रिगार्डिंग बात की जाए तो कोर्स की मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लाइक लैब्स वगैरह हर चीज़ में मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। कितनी देर हो गया? सिक्स मंथ हो गए हैं। तो सिक्स मंथ में इतना कुछ हमको पता है तो भाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से। तो बाकी आप बता दो कैसी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। चलो तो आप 100 में 100 दोगे क्या यूनिवर्सिटी को? अगर बताया 100 में तो सॉरी आपने दे दिया। तो गाइस मिलते हैं आपसे आगे। हम लोग नेपाल से। तो गाइस अभी हमें इस यूनिवर्सिटी के और स्टूडेंट्स भी मिल गए हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? कार्तिक गुप्ता। कार्तिक गुप्ता आपका नाम? आपका नाम? अब्दुल्ला।
तो इस यूनिट के बारे में इनसे भी पूछते थे कि इनके क्या ख्याल आते हैं इस यूनिट के बारे में, और कैसा लगा इनको यहाँ पर आर्टिंग करने के बारे में, जो भी है पूछते हैं इनसे। तो क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। हाँ, कैसे मतलब कैसा लगा आपको इस यूनिट के, मतलब कैसा है यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंट, पढ़ाई के बारे में कैसा है बताओ? यूनिवर्सिटी तो हम लोग जानते हैं सबसे बेस्ट है, उसके बाद में यहाँ पे हर चीज़ जो होता है सबसे बेस्ट लगता है, खाना पीना हर चीज़ यहाँ पे। जो हमारा डिपार्टमेंट हमारा न्यू कोर्स है ये अच्छे का इस यूनिवर्सिटी में, उसी के हिसाब से हम लोग सोचे थे कि नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के हिसाब से हमारे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो इन्होंने भी बताया भाई आप कितना देना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी को, 100 में 100 या 50-50? हम लोग तो 100 में 100 देना चाहते हैं। तो अभी जितने भी मिले हमको सारू ने 100-100 ही दिया है, तो भाई 50-50 भी कोई देगा शायद मुझे जहाँ तक लगता है। तो आपका नाम क्या है भाई? राहुल। इनका तो इनसे भी कुछ पूछते हैं, कैसी लगी आपको यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पर आपका, मतलब जैसे आप घर से यहाँ पे आए, यहाँ पे जब मैं दोनों से तो बहुत टाइम लगा होगा, तो टीचर्स ने आपके साथ कैसा बिहेव किया? फर्स्ट अच्छा बिहेव किया, हमें तो टीचर बहुत पसंद है ब्रो। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे टीचर उसके बाद में उसके तरफ भी रहा था, फैमिली की तरफ भी। और हम लोग का फील ही नहीं कभी हुआ कि हम लोग घर से इतना दूर आए हैं पढ़ने के लिए, हमें कभी फील नहीं हुआ। जो हमारे टीचर्स हैं वो करेंट जो है ट्रीट करते हैं, मतलब कि फैमिली जैसा फील करते हैं यहाँ पे। तो भाई जितना मैं बता रहा हूँ, मैंने जितना अभी तक मतलब लड़कों से रिव्यू लिया इस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसी है आप यहाँ पर, तो सब ने बताया यार ठीक है। तो भाई मुझे, मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट हूँ भाई, मुझे खुद अच्छी लगी भाई। मैंने भी सोचा कि मैं आगे सबसे पूछूँ कि यार उनका क्या रिव्यू रहता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो गाइज मिलते हैं आपसे आगे, तो विदा लेते हैं इनसे भी, तो गाइज मिलते हैं आपसे बाद में। ओके ब्रो, चलो मिलते हैं यार आपसे आगे। A few moments later. वासिफ जी बोल रहे हैं हमें कि एक लड़के का वो रिव्यू लेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो देखना यार उनका रिव्यू कैसा रहता है। और मिलते हैं आपसे आगे हैं। और एक स्टूडेंट है इससे हम पूछ रहे हैं। How are you? I'm fine. Where from? I'm from Jammu and Kashmir. Where are you posting here? I'm doing bachelor in radiology. Okay, I'm in the experimental department. Yes. So how is the faculty here? अगर फैकल्टी की बात करेंगे, फैकल्टी इट्स वेरी एडवेंटिशियस, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा एफर्ट देते हैं अपनी टीचिंग में। तो फिर बाहर की बात है, जब कोई टीचर अपनी टीचिंग में एफर्ट देता है, एफर्ट अप्लाई करता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। कैसा लगता है सर आपको? मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा माहौल कैसा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इट्स अ प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी। अपनी फैमिली को मिस करते होंगे तो यहाँ टीचर्स, मतलब आपके साथ कैसे? हाँ हाँ, जो हमारे टीचर थे वो एज ए पेरेंट हमारे, हमें हम तो उनको एज ए पेरेंट ही कंसिडर करते हैं। तो मैं इन माय साइड आई कैन ऑलवेज से इट्स अ प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी, फ्रेंडशिप, एंड यहाँ पर जो टीचर थे बहुत सारा इंकरेजिंग है, इंस्पिरेशनल है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे आपने देखा, कॉमर्स है, फैशन टेक्नोलॉजी है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जो ये हमारे जूनियर्स, आपके जूनियर्स आ रहे हैं, उनको क्या मैसेज करना है? हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं यहाँ पे, उनको यही मैसेज करता हूँ, मतलब कि अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका जो मोटिव है, मेन मोटिव है, वो उसको अटेंड करें। अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में नॉलेज को एक्वायर करें, ठीक है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज की वजह से हम बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात। ओके, थैंक यू। A few moments later. तो गाइस अभी हम बाहर निकले थे, तो हमें एक दो लड़के मिले वहाँ से, उन दोनों से पूछते हैं, वो इधर उधर भटक के रहे हैं, तो चलो यार उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलो आओ। आपका नाम क्या? कहाँ से? कश्मीर से। हाँ, आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा है, लव द फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। ओके ओके, अच्छा आप बताओ, मतलब जो नए भी इस यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपका मतलब क्या रहेगा? बहुत बहुत अच्छा माहौल है, वेलकम करेंगे हम उनको, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है आपके लिए, यहाँ पे बाइक चैलेंज ऐसे भी रहते हैं, तो बहुत माहौल बहुत अच्छा है यहाँ। मतलब आप कितना, मतलब इस यूनिवर्सिटी में आप कितना पता है आपको, मतलब ये हो गया मेरा पोस्ट है मैं? अच्छा अच्छा, बीएससी रेडियोलॉजी। अच्छा अच्छा, सही है। और बस एक समय मुझे अब यहाँ पे हम जा रहे हैं, सीनियर हैं वो पास आउट हो रहे हैं, हम यहाँ पे नए आ रहे हैं, हमको ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत एक अच्छा माहौल है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। तो आप इसमें यूनिवर्सिटी को 50 में 50 जाओगे या 100? नहीं बिल्कुल 100 100 100। तो इन्होंने 100 में 100 दिया है, तो थैंक यू ब्रो। चलो यार आगे देखते हैं आगे क्या रिव्यू रहता है।
तो गाइस अभी हम आए बाहर और देखते हैं बाहर को हमारे फ्रेंड मिलेंगे तो अभी उनसे पता रिव्यू का बताते हैं यहाँ का कैसा क्या लगा उनके यहाँ का। तो चलो यार बंद हो आए थे बाहर और बाहर हमें एक लड़का मिल गया है, क्या नाम है आपका? सैयद शाकिर। कहाँ से आप? मैं कश्मीर से। हाँ तो आप इस यूनिवर्सिटी में आके आपको कैसा लग रहा है? इस यूनिवर्सिटी में एक तो मतलब पहले ही चॉइस मेरी थी, घर वालों के सामने मैंने ही बोला था कि मैं जाऊँगा गुरुकाशी यूनिवर्सिटी पढ़ने। तो आपको इसके बारे में पहले पता था गुरुकाशी? हाँ, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी यहीं से पास आउट हैं। अच्छा, तो उनकी वजह से मुझे पता चला है कि मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है कि क्योंकि उनने मुझे बताया था कि मतलब जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है, कॉलेज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही अच्छा है, मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा मतलब माहौल है यहाँ पे। अच्छा, तो आप अगर यहाँ पे कोई आए उसके लिए क्या मैसेज दोगे? आप जो आए करें उनका वेलकम करते हैं यहाँ, मतलब वार्म वेलकम करते हैं उनका, क्योंकि यहाँ पे माहौल भी अच्छा है, स्टडी भी अच्छी होती है यहाँ पे, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, जो मतलब हमारी लैब्स है वेल एस्टैब्लिश्ड है, जितने भी मतलब इंडोर जितने भी प्लेस है वो होते हैं यहाँ पे, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है माशाल्लाह, हर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपका वेलकम है, आप आइए यहाँ पे और आप एक बार आके देखिए कि कैसा यहाँ पे आपको महसूस होता है आके अपने हफ्ते हाँ। कोई ना, आपने देखा आपका नाम क्या था? सैयद शाकिर। सैयद शाकिर ने बहुत अच्छे से अपना मतलब इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। तो गाइस मिलते हैं आपसे आगे और वेलकम करते हैं इनका भी। थैंक यू। A few moments later. तो गाइस अभी चलते हैं हम कैंटीन में और देखते हैं वहाँ पर जो लड़के मिलेंगे उनका क्या रिव्यू होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। चलो चलते हैं। ये रहा अभी हम एंटर करते हैं या फिर कल देखते हैं। हे गाइस, तो बस यार आज का ब्लॉग है जो यहीं पे एंड करते हैं और आपने सभी स्टूडेंट्स का और फ्रेशर्स के भी सारों के रिव्यू देख लिए। और जहां तक अगर मैं अपना रिव्यू आपको दूं तो भाई मेरे हिसाब से यार 50 क्या यार, 100 में 100 ही देना चाहूँगा मैं यार यूनिवर्सिटी को। भाई बहुत अच्छी फैसिलिटी है और बात करें हमारे यहाँ के टीचर्स डीन सब के साथ मतलब ना फ्रेंकली है यार, मतलब बहुत अच्छे हैं यार, मैं आपको यही बताऊँगा। और जितने भी अगर फ्रेशर्स यहाँ पर आने वाले हैं या फिर कोई आ गया है तो भाई उनका वेलकम है और आओ। और बाकी यार अपना पढ़ाई से काम रखो बस, और क्या। तो मिलते हैं यार आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखे रहिएगा हमारे इस छोटे से ब्लॉग को, आई होप सो इन्जॉय करोगे इस ब्लॉग को। और हमारे मैं बता दूं आपको जो हमारे कैमरा मैन है वो बहुत थक गए क्योंकि ये फ़ोन के उधरी हैं, इनका नाम शाह हुसैन है। तो चलो यार
इनके लिए भी एक लाइक बनता है, ठीक है, हार्ड वर्क किया भाई ने। तो बाय बाय, लव यू गाइस।